हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताती हूँ जो करौंदा फल होता है कि यह आपकी सेहत के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होता है और इसके सेवन करने से आपको कौन कौन से लाभ मिलते हैं। दोस्तों, करौंदा जो होता है वह एक झाड़ीनुमा पौधा होता है और यह आपको अधिकांशतः जंगलों में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस यदि हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैरिसा कैरेंडस। दोस्तों, यह जो फल होता है इसका उपयोग सब्जी बनाने, अचार बनाने और चटनी बनाने के काम आता है। दोस्तों, यह खट्टा होने के कारण विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कई सारे पौष्टिक तत्व इसमें पाए जाते हैं जो कि आपको कई सारी बीमारियों से बचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग जिन लोगों को भूख नहीं लगती है तो फिर आप करौंदे का सेवन करिए। इससे आपकी जो भूख ना लगने की समस्या है वह पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जो करौंदा होता है वह पित्त को शांत करता है और प्यास को रोकता है। ऐसे लोग जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो फिर वो लोग करौंदे को खाएं। वो आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, आप इसका अचार खा सकते हैं, आप इसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं तो फिर यह आपको लाभ करेगा यदि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो। दोस्तों, करौंदा जो होता है वह दस्तों को बंद करता है। यदि आपको बार बार दस्त लग रहे हैं तो फिर आप करौंदे को खा सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत लाभ होगा। खास तौर पर जो पैतिक दस्त होते हैं इसके लिए यह बहुत ही अत्यंतकारी होता है। दोस्तों, यह जो करौंदा होता है वह भारी मल को रोकने मैं भी आपकी मदद करता है और यदि आपकी रुचि नहीं है तो यह रुचि उत्पन्न करने में भी आपके लिए बहुत ही सहायक होता है। लेकिन दोस्तों, करौंदा जो होता है इसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसका जो सेवन है, जिन लोगों को रक्त पित्त की समस्या है या फिर जिन लोगों को कफ की समस्या है, इस तरह के लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोगों को करौंदे का सेवन करना लाभकारी नहीं होता है। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।